भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता सना खान मर्डर केस में दिन ब दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 25 दिनों से लगातार गश्त लगा रही पुलिस को अभी तक सना का बाल भी नहीं मिला है, जिसके चलते अब सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जबलपुर के विधायक संजय शर्मा को पूछताछ के लिए नागपुर बुलाया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल सना खान मर्डर केस की गुत्थी दिन ब दिन उलझ से जा रही है, जहां नए नए खुलासे देखने को मिल रहे। अब इसी बीच इस मामले के मुख्य आरोपी अमित शाहू के साथ जबलपुर के कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का संबंध उजागर हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सना खान के अपहरण के पहले संजय शर्मा और अमित शाहू के बीच फोन पर कॉन्टेक्ट हुआ था, और हत्या की जानकारी के बाद अमित शाहू और राजेश शर्मा की मुलाकात भी हुई थी, जिसके चलते आज हिरासत में लिए गए आरोपी अमित शाहू, राजेश सिंह, धर्मेंद्र यादव, कमलेश पटेल, इन चारों को भी पूछताछ के लिए हाजिर किया गया। तो जबलपुर से विधायक संजय शर्मा समेत सना की मां मेहरू निशा को भी पूछताछ के लिए अपराध शाखा परिमंडल 2 में बुलाया गया था, जहां विधायक संजय शर्मा ने सना खान से कोई भी परिचय न होने की बात कही। इतना ही नहीं, इस समय विधायक संजय शर्मा ने पिछले 5 सालों से अमित शाहू से कोई संबंध न होने की बात भी कही, तो इस घटना के बाद अमित शाहू मिला था यह जानकारी दी। जबलपुर में जो मर्डर कांड हुआ है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। उनको जो मुलजिम है वो पहले हमारे यहाँ कई 10-15 साल पहले काम करता था, परिचित था, इसलिए उसके बारे में जानकारी पूछना थी। जब बात होगी बता दिए उनको। इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उनको पहले 5-7 साल से कभी ये मिला है, काम छोड़ने के बाद अभी घटना के बाद मिला था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं थी इसकी। नहीं, गलत जानकारी। हमें साहब हमारे यहाँ का कर्मचारी था, पहले काम करता था, बस जानते, ना कभी मिले, ना कभी बात हुई, ना कोई टेलीफोन पे, ना अमित साहू से बात हुई टेलीफोन पे, ना कोई सना खान से बात हुई, सब क्लियर हो गया। उसने बता दिया हम नहीं मिले कई सालों से। जबलपुर के रविशंकर यादव जबलपुर के हैं, ठेकेदार, जानते पहचानते उनको, बोलेंगे नहीं बुलाया, बोले हो गया। 15 साल पहले काम करता था, अभी वो ढाबा चलाता है, 7-8 साल से नहीं मिला, पहली बार मिला है। किसी को नहीं पहचानते, दोनों को इनको पहचानते। पूछताछ के लिए बुलाई गई सना खान की मां ने इस समय चल रही खबरों के हवाले सना खान की सच्चाई के विषय में चिंता जताई, जहां सना खान की मां मेहरू निशा ने सवाल या निशान उठाया है कि सना के पास 12 सीमें थी और करोड़ों की संपत्ति है। ऐसी खबरें निरंतर चलाई जा रही है, जिसका संबंध शायद सच्चाई से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जानकारी न मैंने किसी को दी है न पुलिस द्वारा बताई गई है। फिर ऐसी खबरें चलाकर केस की गुमराह ना करें। अभी तक सना खान का शव भी नहीं मिला है और ना ही केस की गुत्थी सूझी है, ऐसी चिंता भी मेहरू निशा ने इस वक्त जाहिर की। देखिए, उनको बुलाया था, साइलेंट नाउ। देखिए, उनको बुलाया था, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी मौजूद। उनसे क्या बातचीत हुई डीसीपी साहब की, वो सिर्फ वही जानते हैं। उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। अब मेरे से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन क्या बातचीत हुई, वही सना के मुतालिक ये बात हुई है, कब गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, और घर से कौन से तारीख को गई, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या हुआ। अब ये तो सब प्रकरण को आप जानते हैं। बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं फरियादी हूँ उसकी माँ, और ये जो अभी हिना के मसले को लेके, मामले को लेके हनी ट्रैप से जो ये किया जा रहा है, तो मैं नाम लेना चाहूँगी। आज तक न्यूज़ के शम्स ताहिर, जिसने 1 घंटे की वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें उसने कहा है कि सना खान और अमित, ये दोनों जो है वो मिलकर व्यापारियों से, नेताओं से, या जिसको भी ब्लैकमेल करते थे, और उसका उसके पास 10 या 12 सिम थे और करोड़ों रुपए जो उससे कमाए। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ उसको किसने दिया? फरियादी मैं हूँ, क्या वो मेरे पास पूछने आया था? आप लोग मेरे पास आए थे, किस मैंने आपको ये बताया कि सना के पास में 10 से 12 सिम थे, या कोई पुलिस वाले छोटे पदाधिकारी से लेके CP साहब ने आपको ये कहा, किसी DCP, किसी ACP, किसी PI मैडम ने आपसे ये कहा कि उसके पास 10 से 12 सिम थे? नहीं। दूसरी बात, वो अगर वहाँ बोल रहा है कि ब्लैकमेल करती थी, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो आज मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 21 लाख रुपए की कर्जदार हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं ICICI बैंक से हूँ, 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं अपने मकान ली हूँ 32 लाख का, उसका मुझे देना है, 2.5 लाख की कर्जदार मैं जो हूँ बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ज्वेलरी रखी है। अगर जिसकी बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आता है,
वो हनी ट्रैप में अगर शामिल थी तो फिर मैं 21 लाख की कर्जदार कैसे, मेरे पास प्रूफ है। तो इस मसले को, हनी हिना का मर्डर हुआ है उसकी अभी तक के डेड बॉडी नहीं मिली है, और डेड बॉडी नहीं मिलने के बावजूद हमारे घर को हम किस कैसा फेस कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमको समाज से सामना पड़ रहा है। जब आपके द्वारा सोशल मीडिया का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, पत्रकार मीडिया का रहता है, तो एक अच्छी खबर, एक सच्ची खबर जो है समाज में जाना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, तो ये बात समाज नहीं जाते हुए लोगों तक के अगर गलत बात जाती है, हनी ट्रैप की बात जाती है, तो हम समाज से कैसे फेस करें। देखिए पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका हर तरह से सपोर्ट है। मैं अमितेश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो अपने लेवल पे पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो जो इस शक के दायरे में है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, महाबली हो चाहे वो विधायक हो, सबको बुला के पूछा जा रहा है, और ये सबके साथ ये बोला गया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। बाकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है, मैं जो बोलती हूँ उसका एक एक वर्ड जो है आप दिखाएंगे, और अगर पत्रकार मीडिया है तो वो छापेंगे, उससे ज़्यादा या कम अगर दिखाया गया छापा गया तो मैं लीगल नोटिस सबको ही नहीं, मुझे ये इतना बुलाया गया था, ये फर्स्ट टाइम है मेरा मदने साहब से जो मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि जिस दिन मेरी मैं जबलपुर के लिए रवाना हुई, 1 तारीख को मेरी बेटी गई और मैं 2 के रात में जब रवाना हुई, तो उस वक्त मैंने CP साहब को फ़ोन किया था कि मेरी बेटी 30 घंटे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो कुछ पता नहीं लग रहा, और उपराष्ट्रपति आने वाले थे तो सब पुलिस अरेंजमेंट जो है उनमें लगा था। तब मैंने मदने साहब से पहली बार 5 मिनट बात की थी, तो आज वो हालात जानने के लिए कैसा हुआ क्या हुआ इसके लिए मुझे बुलाया। बिल्कुल नहीं, आरोपी अलग थे, जितने भी आए थे वो उनका पर्सनल उनसे बयान लिया गया, जो आए थे विधायक संजय शर्मा उनका अलग लिया गया, हम लोग अलग बैठे थे, एट लास्ट हमें बुलाया गया और हमसे बातचीत। वो यहाँ के लीडर थोड़ी है जो मैं जानूंगी उनके बारे में क्या कहना है मेरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो 24 दिन हो गए डेड बॉडी मिले, और जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ ना कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका DNA के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है, और ये महाराष्ट्र पुलिस के तह तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो आरोपी है मेन उसको जो है फांसी, बस मैं यही चाहूंगी। इस समय सना खान मर्डर केस के विषय में जानकारी देते समय पुलिस उपायुक्त राहुल मते ने बताया कि केस को सुलझाने के लिए आवश्यक पूछताछ और कार्यवाही के अनुसार पुलिस कदम उठा रही है और यकीन है कि जल्द से जल्द केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन चालू है, और इन्वेस्टिगेशन में जो हमको जरूरत पड़ रही है कि किस किस के स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो हम करते, थोड़े हमको डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। उन्होंने तो हमको सहकार्य किया है, इतना ही बोल सकता हूँ, आप जरूरत पड़ेगी तो बुला सकते हो कभी भी, देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में, देखेंगे आगे कि कब हुई थी, हुई है या नहीं हुई, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक टीम जबलपुर में तपास सुरू है, जर तसा निदर्शनास आला तर पाहता येईल, उसके जो जरूरत सैंपल लेने की जरूरत थी, जैसे FSL से हमको रिक्वेस्ट आया था, उस तरफ से हम फिर से सैंपल भेज रहे हैं। थैंक यू। सना खान हत्या मामले में नए नए खुलासे रोज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गौर की बात यह है कि इस पूरे मसले में राज्य की सियासत के साथ ही अपर राज्य की राजनीति का भी संबंध आ चुका है, जिससे शायद जनता का विश्वास सियासी नुमाइंदों से उठ सकता है, क्योंकि विभिन्न सियासी दलों का संबंध भी इस केस में आ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।